तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चैनल दिखाना चाहूँगा। चैनल का नाम है एनिमल रिवोल्ट बैटल सिमुलेटर। इन चैनल पर उन्होंने जस्ट 90 वीडियोस अपलोड किया है और 90 वीडियो में 5,20,000 सब्सक्राइबर अगेन कर लिया है। और अगर हम बात करें कि इनके पर वीडियो पर कितना व्यूज होते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, इन चैनल पर जो पॉपुलर वीडियो है वो 1.9 करोड़, 1.6 करोड़, 1 करोड़ या 90 लाख, 81 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे करके व्यूज आते हैं। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को और एक चैनल दिखाना चाहूँगा। चैनल का नाम है एनिमल्स बैटल गेम। इन चैनल पर कितने वीडियोस अपलोड किए हैं? मात्र 3 वीडियोस अपलोड किया है और 3 वीडियो में 4,58,000 सब्सक्राइबर ले लिया है, ठीक है। और बात करें इनके पर वीडियो पर कितना व्यूज होते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, इनके 3 वीडियो में से काफ़ी ज़्यादा वायरल गया है तीन ही वीडियो। और 3 वीडियो में आप देख सकते हैं व्यूज, फर्स्ट में जो वीडियो आ रहा है वो 38 लाख व्यूज आ गया है, जो कि 3 मंथ पहले इन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया है। उसके बाद 5 मंथ पहले ये वीडियो को अपलोड किया है जो कि 5.8 करोड़ व्यूज आ गया है। उसके बाद 7 मंथ पहले ये वीडियो को अपलोड किया है और इस वीडियो पर 7.4 करोड़ व्यूज आ गया है। जस्ट 3 वीडियोस अपलोड किया है, 3 वीडियोस में इतना खासा व्यूज़ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चैनल कब क्रिएट किया है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तब देखिए गाइस, ये चैनल क्रिएट किया है 19 अप्रैल 2022 को ये चैनल क्रिएट किया गया है, यानी कि इसी साल का चैनल है। जस्ट 7 मंथ्स पहले ये वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट किया है और ये 3 वीडियो अपलोड किया है। 3 वीडियो में देख सकते हैं व्यूज़, देखिए करोड़ों में व्यूज़ है। और आप देखिए इनके सब्सक्राइबर, देखिए 4,58,000 सब्सक्राइबर है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा ग्रोथ ले लिया है। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को और एक चैनल दिखाना चाहूँगा। चैनल का नाम है मिनी जू एनिमेशन। चैनल पर कितने वीडियोस अपलोड किए हैं? मात्र 4 वीडियोस अपलोड किया है और 4 वीडियो से 19,000 सब्सक्राइबर अगेन कर लिया है। और ये चैनल कब क्रिएट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 को ये चैनल क्रिएट किया है और 2 मंथ में इतने अच्छा खासा सब्सक्राइबर ले लिया है और इतना तेज़ी से इनके ग्रोथ हो रहा है चैनल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनके वीडियो पर कितना व्यूज आते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 लाख, 26 लाख, 27 लाख, ये 4 वीडियो में इतना अच्छा खासा व्यूज है गाइस। अब मैं आपको और एक चैनल दिखाता हूँ, आप जस्ट देखते रहिए कि इन कैटेगरी पर व्यूज कितना आते हैं, ठीक है। चैनल कितना फास्ट ग्रोथ होता है ये आप देख लीजिए, उसके बाद मैं तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह का वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, चैनल का नाम है मोमो काउ। इन चैनल पर कितने वीडियोस उन्होंने अपलोड किया है? मात्र 11 वीडियोस अपलोड किया है। सब्सक्राइबर के बारे में बात करें तो 14 लाख सब्सक्राइबर है, देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल के वीडियो के बारे में बात करें तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि इनके पर वीडियो पर कितना व्यूज आते हैं। आप देख सकते हैं इनके जो पॉपुलर वीडियो है वो 13 करोड़ व्यूज़ आ गए हैं, जो कि 5 मंथ एगो इस वीडियो का अपलोड किया गया है इस चैनल पर। उसके बाद ये वीडियो को देखो, 4.6 करोड़ व्यूज़ आ गए हैं, 2.6 करोड़ व्यूज़ आ गए हैं, 72 लाख व्यूज़ आए हैं, यहाँ पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसे करके व्यूज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा व्यूज़ आता है। आपने तो गाइस लाइव प्रूफ देख लिया कि इन कैटेगरी के वीडियो पर कितना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कितना तेज़ी से ग्रोथ होते हैं। किसी ने 3 वीडियोस अपलोड किया है, 4 लाख सब्सक्राइबर ले लिया है। किसी ने 5 वीडियोस अपलोड किया है, 10 लाख सब्सक्राइबर ले लिया है। जितने भी गाइस मैंने आपको चैनल दिखाया है उन सभी चैनल के वीडियो पर लाखों में व्यूज़ है, ठीक है। पर वीडियो पर एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो 1 लाख के कम व्यूज़ आ गया है। पर वीडियो पर लाखों में व्यूज़ है, करोड़ों में व्यूज़ है, जो तो आपने देख लिया है। अब मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ कि ये चैनल यूट्यूब से कितना अर्निंग करता है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते गाइस, इस चैनल का जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो $4,000 से ले करके $72,000 तक ये पर मंथ अर्निंग करता है। अगर हम $4,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 3,30,000 पर मंथ ये अर्निंग करता है, जो कि इस तरह का वीडियोस अपलोड कर। तो गाइस आपने तो देख लिया कि इस कैटेगरी के चैनल कितना फास्ट ग्रोथ होता है, इनके वीडियो पर कितना व्यूज होता है, कितना अर्निंग करता है, सभी कुछ मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का वीडियोस आप मोबाइल फोन की मदद से कैसे बनाएंगे। तो गाइस जो चैनल का मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया है वो चैनल मोबाइल से वीडियोज नहीं बनाता है, वो कंप्यूटर से बनाते हैं और कंप्यूटर से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि ब्लेंडर, माया या बहुत सारे 3D एनिमेशन के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, जो कि उसको यूज करने के लिए गाइस आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप जो है उस बड़े सॉफ्टवेयर की यूज़ करके इस तरह का वीडियोस बना सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर नहीं है, आपके पास एक मोबाइल है, तो आप मोबाइल फ़ोन की मदद से ही बना सकते हैं, जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एकदम उस तरह का ही वीडियो आप बना सकते हैं गाइस मोबाइल फ़ोन की मदद से। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का वीडियोज़ आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें मत करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को मेरा वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मैंने बनाया है मोबाइल फ़ोन की मदद से, उस तरह का वीडियोज़, ठीक है। तो आप एक
बार देख लीजिए, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि उस तरह का वीडियो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। हेलो, ये है गाइस मेरा चैनल मिस्टर बॉरी। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं मैं एनिमल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और काफ़ी अच्छा खासा व्यूज आते हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल से रिलेटेड ही वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ और आगे भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मुझे जल्दी से 50K कर दीजिए भाई। यहाँ पर देखो 39K सब्सक्राइबर हो गया है और थोड़ा कुछ सब्सक्राइब होने के बाद ही 50K हो जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उस तरह का वीडियोस बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है एनिमल पोज। सर्च करने के बाद गाइस दो नंबर पर जो एप्लीकेशन आ रहा है एनिमल पोज, ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे इसलिए ओपन लिखा आ रहा है, तो इसी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, उसके बाद गाइस आप लोगों को और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है रियल एनिमल HD। ये जो एप्लीकेशन है गाइस इसी एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप देख सकते हैं इसीलिए ओपन लिखा आ रहा है। सबसे पहले गाइस एनिमल पोजिंग एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल आपको मिलेगा 3D में जो कि एनिमेशन करता हुआ मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारे पास एक गाय है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको चेंज ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल मिलेगा जो कि आप इसको ले सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल है, इसको भी आप ले सकते हैं। जो भी एनिमल लेना चाहते हैं उसको जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे कंट्रोलर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड भी मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड है इसी को आप ले लीजिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं और आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको पोज मिलेगा, यहाँ से आप पोज ले सकते हैं। यहाँ पर आपको आइडल मिलेगा, वर्क मिलेगा, रन मिलेगा, अटैक मिलेगा, डाई मिलेगा, अटैक बी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको और बहुत सारे पोज मिलेगा, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से जो भी एनिमल लेना चाहते हैं वो एनिमल को आप यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको पोज वाला ऑप्शन पर जाना है, वर्क वाला एनिमेशन को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद गाइस ये आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और ये ग्रीन बैकग्राउंड को आपको ले लेना है। ग्रीन बैकग्राउंड को लेने के बाद गाइस आपको अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक आई की तरफ ऑप्शन दिखाई देगा, इस आई ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसी आपको ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से रोटेट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा इधर इधर रोटेट करके 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे करके आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियोस बना लेना होगा। यहाँ पर अगर आप और भी एनिमल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एनिमल को ऐड कर सकते हैं, इसको साइड में कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं इस साइड में बहुत सारे एनिमल एक साथ में आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर उधर सभी को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद इसे आप ग्रीन स्क्रीन में सेट कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एनिमल आ जाए, एक एक करके एनिमल को आप सिलेक्ट करके इसे आप ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लेने। रिकॉर्ड करने के बाद आपको आगे क्या करना है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रियल एनिमल HD जो एप्लीकेशन है उसको आपको जस्ट ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर सामने आ जाएगा। मैं इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे सुनकर। मिनी जू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल कर सामने आ जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको अच्छा अच्छा लोकेशन मिलेगा। इस लोकेशन को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ से मतलब हमें बैकग्राउंड चाहिए, इसी बैकग्राउंड को हम यूज़ करेंगे अपने वीडियो पर। सो इसको आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। 10-15 स्क्रीनशॉट आपको कुछ इस तरह के घुमा घुमा कर इस साइड में आपको ले लेना है, उसके बाद इस साइड में आपको ले लेना है। अलग अलग लोकेशन सिलेक्ट करके आप जो है स्क्रीनशॉट के ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद गाइस गूगल प्ले स्टोर से आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद जस्ट आपको ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और जो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर कॉलम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर हेलिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हेलिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है गेम का वो आपको रिमूव कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको कंट्रोल मिलेगा, उसको जस्ट आपको रिमूव कर देना है। इस तरीके से गाइस आपको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद फिर से कॉलम वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करके इसे आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से गाइस जितनी भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिमूव कर देना होगा, और आप प्रॉपरली एक बैकग्राउंड आपको बना लेना होगा। उसके बाद गाइस आपको काइनमास्टर पर आना है। काइनमास्टर पर आने के बाद गाइस जो बैकग्राउंड आपने तैयार किया है उसको आपको एक एक करके इनपुट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इनपुट कर लिया है। इनपुट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है एप्लीकेशन से उसको आपको यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको नीचे आना है, क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर जाना है। कुछ इस तरीके से आपको क्रॉपिंग कर लेना है। क्रॉपिंग करने के बाद बैक करना है, फिर क्रोमा के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे एनेबल करना है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो लोग प्ले हो जाएगा। प्ले होने के बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको जितने सेकंड का वीडियोज़ बनाना चाहते हैं उतने सेकंड तक इसे आप रखिए, बाकी इसे आपको ट्रिम कर देना है। बाद गाइस सेकंड बैकग्राउंड पर आना है, फिर से लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और दूसरा जो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, मतलब ये चलने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर चल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी आपको उसी तरीके से क्रॉपिंग कर लेना होगा जो तरीका मैंने आपको बताया है। क्रॉप करके इसे आपको क्रोमा के ऑप्शन पर जाना है, इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो आपको रिमूव करना होगा, फिर एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इसी तरीके से। और जितना सेकंड का आप लेना चाहते हैं वहाँ से आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको की फ्रेम ऑप्शन दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लास्ट में आना है, यहाँ पर आपको की फ्रेम ऐड करना है। कुछ इस तरीके से जूम करना है जैसे कि ये एनिमल्स आगे की तरफ आ रही है, इस तरीके से आपको जूम करना है। अब मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये एनिमल्स जो है आगे की तरफ आ रहा है, दिखने में खतरनाक लग रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बनाना है। फिर आपको नेक्स्ट बैकग्राउंड पर आना है, फिर दूसरे जो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है चलने वाला वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। ये वाला को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, फिर से वही स्टेप का आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको करके दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आपको कर लेना होगा। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वो लोग खड़ा है, यहाँ पर वो लोग चल रही है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना होगा। अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आपको कर लेना होगा, ठीक है। ये और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बच्चे भी इस तरह का अगर कोई कार्टून एनिमेशन पा जाए तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा जो है एंड तक देख लेगा, और आपका वीडियो भी जो है वॉच टाइम भी मिलेगा आपके वीडियो पर, और जो है आपका वीडियो तेज़ी से ग्रोथ भी होगा, और उस वीडियो से पैसे भी अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है, बनाने के बाद इसे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अभी भी काम बाकी है, ये मत समझ लेना कि काम पूरा हो गया है। एंड सेव करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, दूसरे प्रोजेक्ट पर उसे आपको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद आपको क्या करना क्या है, यहाँ पर आपको छोटा छोटा कार्ड लगाना होगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर कार्ड लगाया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कार्ड लगाया है, उसके बाद यहाँ पर कार्ड लगाया है, और कार्ड लगाने के बाद गाइस करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है एक पार्ट को। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जूम जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और जूम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो स्टार्ट पोजिशन है
वो आपको कुछ इस तरीके से जूम करना है और एंड पोजीशन पर कुछ इस तरीके से आपको जूम कर देना है, ठीक है। मतलब आप देखिए, मैं थोड़ा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि ये एनिमेशन जो है इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो इसी तरीके से आपको जूम आउट कर लेना होगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर जस्ट जूम आउट इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा इस तरीके से जूम हो रही है, ये मैंने कैसे किया है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेन जूम ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ और स्टार्ट पोजीशन पर थोड़ा जूम कर दिया हूँ और एंड पोजीशन पर कुछ इस तरीके से कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट पोजीशन और ये एंड पोजीशन, ठीक है, ये इफेक्ट लग गया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से किया है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट लगाया है ये ब्लैक शेडो का, ठीक है। तो ये एकदम प्रोफेशनल बन गया है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर चल रही है, उसके बाद ये मैंने ऐड किया है, उसके बाद ये वाला ऐड किया है, उसके बाद ये वाला ऐड किया है, एंड यहाँ पर मैंने एक ट्रांजेक्शन लगा दिया है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऐड किया है, उसके बाद ये वाला ऐड किया है, उसके बाद ये गंडर वाला वीडियो को मैंने ऐड किया है। और यहाँ पर आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गंडर, टाइगर, एलिफेंट, डॉग, ये लिखने पर काफ़ी वीडियो जो है एंगेजमेंट बन जाएगा, बच्चे को सीखने को भी मिलेगा और वो लोग फुल वीडियो को देख लेगा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए कैसा लग रहा है, इतना प्रोफेशनल लग रहा है देखने में, तो क्या ही बताओ, एकदम पूरा धांसू लग रहा है वीडियो। तो इसी तरीके से आपको बना लेना होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो एकदम मोबाइल से ही बनकर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ना ही वॉइस ओवर करना है, ना ही कुछ करना है। यहाँ पर जस्ट आपको जो है एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है किड्स वाला, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, क्लिक करके मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और उस बैकग्राउंड को आप डाउनलोड करके अपने वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत लोग गाइस कमेंट में यही भी बोलेंगे कि भाई ये जो आपने एप्लीकेशन से वीडियो बनाए हैं, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आएगा क्या। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गाइस अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा, आपका चैनल 100% मोनेटाइजेशन होगा और आपके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ भी आएगा, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि इस तरह के वीडियो पर कितना ज़्यादा व्यूज आता है, ठीक है ना। किसी ने 3 वीडियोज़ अपलोड किया है, 4 लाख सब्सक्राइबर ले लिया, किसी ने 10 वीडियोज़ अपलोड किया है, 5 लाख सब्सक्राइबर ले लिया, किसी ने 4 वीडियोज़ अपलोड किया कर दिया है, जो है लाखों सब्सक्राइबर ले लिया। तो इसी तरीके से वो लोग करते हैं और इसी तरीके से आप भी करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये था गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से, मुझे 50K करना है गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और एक फाड़ू वीडियो पर, तब तक लिए बाय।